कि इमरान खान को सजा हो जाए तो ये नाम निहार ट्रायल क्यों कर रहे हो? नाम निहार आप वैसी हाकिम हैं, आप हम 10-10 तक खड़े हो जाएंगे ना, आप डाल दे हथकड़ियां, बता देंगे जी हमने तोशाखाने में ये कर सजा दी थी। ये इंसाफ है, ये इंसाफ की तवहीन है, ये ट्रायल की तवहीन है। हम बाईसीए के वकील और खान की लीगल टीम के किसी भी सूरत में इस पिस्तैयत की इजाजत नहीं दे सकते। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब ठीक हैं? यार जैसे आप लोगों को बताया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसमें आप लोगों के ये पुलिस वाले भाइयों का कोई कसूर नहीं है। तो यार आप लोगों को ये भी पता है कि यार रियासत आप लोग चुनते हैं और हम रियासत के मतहत हैं और अपने अफसराने बाला के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यार हमारे दो बहुत ही प्यारे भाई जो कि घर से ड्यूटी आ रहे थे और जिसपे अवाम ने पत्थरों और ईंटों के साथ वार किया है, उनका काफी एक भाई का तो सर फट गया है और काफी उनको चोट पहुंचाई है। वो भाई बेचारे हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, उनका क्या कसूर है? क्या वो किसी के माँ के बेटे नहीं है? हम भी तो किसी के माँ के बेटे हैं ना यार। तो आप लोग हमें जुल्म दे रहे हैं या हमें कोस रहे हैं कि पुलिस को हम नहीं छोड़ेंगे, पुलिस का इसमें कोई कसूर नहीं है, हम अपने अफसराने बाला के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और अभी हम सुबह से आए हुए हैं और रात हो गई है और तकरीबन कल रात तक मुसलसल ड्यूटी सर अंजाम देंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक हमारे अफसराने बालों का हुक्म होगा। तो भूखे प्यासे खड़े हुए हैं, बाकी आप लोगों की दुआओं का और आप लोगों के साथ की जरूरत है। तो और जैसा कि आप लोगों को पता है ये वर्दी हमने आपकी हिफाजत के लिए पहनी हुई है और हम लोग आपके भाई हैं, जहाँ तक हमसे हो सका हम आप लोगों के साथ तावन करेंगे। जी पाकिस्तान जिंदाबाद, जितना हो सके हम आप लोगों के साथ तावन करेंगे। आप भाई हैं, दुआ में जरूर याद रखिएगा। और मुर्शिद हमारे देश में एक जंग छिड़ गई, मुर्शिद सभी शरीफ शराफत से मर गए, मुर्शिद हमारे जेन गिरफ्तार हो गए, मुर्शिद हमारी सोच भी बाजारी हो गई, मुर्शिद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, पंजाब पुलिस ने दो बंदे मार दिए, ये आप देख सकते हैं, पंजाब पुलिस ने बंदे मार दिए हैं। राणा सनावला के कहने पे इम्पोर्टेंट हुकूमत नहीं है, देखिए आप ये देखिए इतना जुल्म। अमरीका के गुलामो आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमारे कप्तान को छोड़ दो नहीं तो खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान को जाम कर इंशाल्लाह।
बस रहन दे छेड़ न दर्दानू साथ दर्द सुनाया नहीं जाना तेरे एहसाना दे बदले दा तेरे एहसाना दे बदले दा मुल हो चुकाया नहीं जाना। तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत क्योंकि शैतान का दांव कमजोर होता है।